इंट्रो और आउट्रो वीडियो बाद में बना रही हूँ। हे गाइस, आई एम माधुरी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ मामा अर्थ के हेयर मास्क का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, विच इज़ राइस वाटर हेयर मास्क। तो इसका मैं आपके साथ रिव्यू प्लस डेमो दोनों ही शेयर करूँगी। इफ़ इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं आपके साथ क्या क्या शेयर कर रही हूँ और मैं आपको इसके बारे में क्या क्या बता रही हूँ, यह आप गौर से सुन लीजिएगा, हो सकता है कोई पॉइंट आपके काम में आ जाए। सो गाइस, इस टाइम पर सेल चल रही थी जब मामा अर्थ पर, तो मैंने एक ये हेयर मास्क लिया, देन मैंने एक ये ऑनियन हेयर मास्क लिया। सो ये ऑलरेडी मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने फर्स्ट टाइम लिया है इसलिए मैं इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। एंड गाइस, ये जो ऑनियन हेयर मास्क है ये मेरे पास एक और पैकेजिंग में, ये देख सकते हो, आई कैन सी ये पूरा एम्प्टी हो चुका है। इसको मैंने ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म कर लिया और ये बहुत गंदा हो रहा है, बट मैं फिर भी आपको दिखाने के लिए लेकर के आई हूँ। गाइस, इस वाले प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। सो इससे पहले जब मैंने सबसे पहला हेयर मास्क जो मामा अर्थ का अप्लाई करा था वो एवोकाडो वाला, मुझे उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे थे, दैट्स वाई मैंने ये वाला पिक करा ऑनियन हेयर मास्क। बट गाइस, मैं आपको सही बताऊँ तो मैंने उसको इसलिए चेंज करा कि उसकी फ्रेगरेंस मुझे पसंद नहीं थी एवोकाडो वाली। सो मैंने इसको लिया तो मुझे उसकी फ्रेगरेंस से इसकी थोड़ी सी बेस्ट लगी थी, मतलब मैं इतना टैकल कर सकती हूँ ऐसी थी एवोकाडो वाले की, मुझे बिल्कुल भी फ्रेगरेंस पसंद नहीं थी। फिर इसका मैं काम चला रही थी, बट मुझे इस टाइम पर राइस वाटर हेयर मास्क मिला है। सो ये वाला हेयर मास्क की जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा सूदिंग है, ना ही दिमाग पर ऐसे चढ़ती है, फ्रेगरेंस आती है आपके हेयर्स में से। तो मुझे इसकी एक चीज़ अच्छी लगी। एंड गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो है, बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि मामा अर्थ के जितने भी वीडियोज़ हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, बट मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि मामा अर्थ मुझे स्पॉन्सरशिप देगा। सो ये हेयर मास्क की कुछ इस तरीके की पैकेजिंग है, जो गाइस कैन सी, ये 200 ग्राम्स की क्वांटिटी में आता है जैसा कि ये ऑनियन वाला आता है। सिमिलरली प्राइस भी सेम है सारे हेयर मास्क के, थोड़ा सा टेक्सचर चेंज है इसका। ऑनियन हेयर मास्क अगर आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा वो उसका टेक्सचर और इसके टेक्सचर में थोड़ा डिफरेंस है, ये ज़्यादा क्रीमी है और मुझे ये वाला अच्छा लगा। मुझे वो भी अच्छा लगता था बट मुझे फिर भी ट्राई करना था, मुझे ये अच्छा लगता था इसलिए मैंने इसको दूसरी बार लिया है, बट इस टाइम पर मैंने ये ट्राई करा तो मुझे ये वाला और भी ज़्यादा अच्छा लगा। गाइस कैन सी, सो ये कुछ इस तरीके का टेक्सचर है, क्रीमी टेक्सचर है और मटमैला सा इसका कलर है। एज यू गाइस कैन सी, पास से आप देख सकते हो, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा इनफ है। और गाइस, मुझे ये जो हेयर मास्क है, मैं लिटरली झूठ नहीं बोल रही हूँ, 6 मंथ लास्ट करता है एक ये जार। गाइस, ऐसा क्या करती हूँ मैं कि मेरे इतने लंबे बालों में, यू गाइस कैन सी, मेरे बाल इतने लंबे हैं। सो ऐसा क्या करती हूँ मैं कि इतने लंबे बालों में ये एक जार मुझे 6 मंथ तक लास्ट करता है। सो गाइस, मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्टली अप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि डायरेक्टली हमारा बहुत प्रोडक्ट वेस्ट होता है। सो मैंने अपने पिछले ऑनियन हेयर मास्क वाले वीडियो में भी बताया था कि मैं इसको यूज़ करती हूँ वाटर में डाइल्यूट करके, एंड मैं ओनली एक चम्मच ही इसका लेती हूँ और इसको पानी में डाइल्यूट करके और फिर अप्लाई करती हूँ। इसको वाटरी कंसिस्टेंसी में करके और अपने ड्राई हेयर्स पर अप्लाई करोगे तो वो उतनी ही आसानी से अप्लाई होगा। इस मैंने अपने एक वीडियो में आपके साथ एक ऑयल भी शेयर करा था, केयर का कलौंजी ऑयल। सो मैंने वही स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ, मैं अधिकतर तो मैं वही ऑयल यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है। बट मुझे जब से कलौंजी ऑयल के, मतलब ये वाला जो कलौंजी ऑयल है, ये इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने सारे ऑयल्स बंद करके यही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ओनली कलौंजी ऑयल ही अप्लाई करती हूँ तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं। बट फिर भी मेरे बालों में, मैंने रीबॉन्डिंग कराया हुआ था तो मुझे हेयर केयर रूटीन के लिए बोला था उन्होंने कहा था आपको स्पा लेना पड़ेगा नहीं तो आपके पूरे बाल खराब हो जाएंगे। इसी चक्कर में मैंने हेयर मास्क अप्लाई करना स्टार्ट करा था, तब से मैं रेगुलरली अप्लाई कर रही हूँ। मैं फ्रिक्वेंटली अप्लाई नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं है कि आज करा फिर हफ्ते भर बाद फिर करा, ऐसा नहीं करती हूँ मैं। महीने में 2 बार, 1 बार करूँगी तो साल भर चल जाएगा मेरा ये जार, बट मैं फिर भी 2 बार एटलीस्ट अप्लाई कर लेती हूँ मंथ में। सो उसके अकॉर्डिंग मेरा ये जार काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, 6 मंथ तक लास्ट करता है। सो अगर आपको भी अपने प्रोडक्ट का वेस्टेज बचाना है तो इसको आप डायरेक्टली अप्लाई ना करके पानी में डाइल्यूट करें एंड क्रीमी टेक्सचर में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, वो मैं आपको सब दिखा दूँगी। चलते हैं वीडियो में और देखते हैं कि कैसे इसके रिजल्ट। सो गाइस, आप यहाँ देख सकते हो मेरे बाल कितने ज़्यादा मुरझाए हुए लग रहे हैं बेजान से, हालांकि मैं केयर करती रहती हूँ तो इतने ज़्यादा बेकार भी नहीं होते, ये काफ़ी दिन बाद वॉश कर रही थी मैं इसलिए ऐसे लग रहे। सो मैंने हेयर मास्क को डाइल्यूट कर लिया है, आपको इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है, एकदम वाटरी नहीं रखना है। सो मैं बाहर जा रही हूँ अब आपको दिखाने के लिए रिजल्ट्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे बालों में काफ़ी अच्छा शाइन और वॉल्यूम ऐड हो गया है,
और आप भी अगर हेयर मास्क अप्लाई करते हो तो ऐसे रिजल्ट्स आपको भी देखने के लिए मिलेंगे। और मेरी हेयर लेंथ भी इसी तरीके से ग्रो हुई है क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा हेयर केयर करती हूँ और मतलब कुछ ना कुछ मैं लगाती हूँ अपने बालों में। सो अगर आपको मेरा हेयर केयर रूटीन जानना हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि मैं कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं करती हूँ, एकदम सिंपल सा है। सो आप चाहोगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। सो आई होप यू गाइस इन्जॉय दिस वीडियो। गाइस ये मेरे जो बाल हैं आप देख सकते हो, इस टाइम पर मैंने आज ही हेयर वॉश करा है और इसका वीडियो मैंने शूट कर लिया था पहले से। इंट्रो और आउट्रो वीडियो बाद में बना रही हूँ, मैंने इसका मेन वीडियो पहले शूट कर लिया था डेमो वाला। सो ये मेरे बाल हैं, अभी आप देख सकते हो कितने शाइनी लग रहे हैं। हाँ ये वेवी हैं बिकॉज मेरे बाल थोड़े वेवी हैं, मैंने अपने बालों में रिबॉन्डिंग कराया हुआ था, उसके बाद वो रिबॉन्डिंग जाने के बाद ये वेवी हो गए हैं। नीचे के बाल स्ट्रेट हैं बट मेरे इतने ख़राब नहीं लगते, बहुत सारे लोगों के पोकर स्ट्रेट हो जाते हैं एंड मुझे अपने बाल ऐसे ही सही लगते हैं, थोड़े से वेवी और थोड़े से स्ट्रेट, एज यू गाइस कैन सी। सो ये इस तरीके से शाइनी हो गए हैं मेरे बाल, और वो तो मेरे पहले वाले हेयर मास्क से भी हो जाते थे। सो मुझे इसमें एक चीज़ खासियत लगी इसकी, कि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, क्योंकि इससे पहले मैंने मामाअर्थ के जितने भी हेयर मास्क अप्लाई करे हैं मुझे उनकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इस टाइम पर जो मैंने ये हेयर मास्क अप्लाई करा है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी इसकी फ्रेग्रेंस, मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रही हूँ। वाली प्रॉब्लम अगर आप भी फेस कर रहे हो कि आपको मामाअर्थ के हेयर मास्क की फ्रेग्रेंस अच्छी नहीं लगती है, तो इस बार आप राइस वाटर हेयर मास्क पर स्विच कर सकते हो। और ये मेरे बाल वॉश कर हेयर वॉश करके मैं आ गई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा शाइनी बाल हैं, वो तो नॉर्मली मेरे पिछले वाले से भी हो जाते थे बट मुझे थोड़ा सा फ्रेगरेंस का इशू था, दैट्स वाई मैंने ये वाला लिया इस बार। और गाइस मुझे इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा लगा, मेरे बाल स्मूथ हो गए जो ये क्लेम करते हैं, और ये डैमेज हेयर के लिए है। सो डैमेज हेयर के लिए तो हेयर मास्क इनके सारे ही डैमेज हेयर के लिए हैं, ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है। सो इसका रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ, ये हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ज़रूर है बट मेरा हेयर फॉल कंट्रोल इससे नहीं होता है, स्मूथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ करती हूँ। एंड गाइस एक हेयर केयर रूटीन फॉलो करना होता है हमको, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको यूज़ करती हूँ, बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई कारण नहीं है इसका कि मैं मामाअर्थ के हेयर मास्क ही अप्लाई करती हूँ। मैंने प्लम का भी यूज़ करा है, मुझे प्लम का अच्छा नहीं, इसलिए मैं ये मामाअर्थ पर स्टिक हूँ। बट ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मामाअर्थ के सारे ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं। मुझे मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू बहुत ही ज़्यादा बकवास लगता है, मैंने कभी भी मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में यूज़ करा कुछ टाइम के बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा बकवास लगा, इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर आपके हेयर को ड्राई कर देता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो अगर आप मेरा हेयर केयर रूटीन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैंने भी अपने बाल काफ़ी लंबे कर लिए हैं। और सो गाइस अगर आप मेरा हेयर केयर रूटीन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं इस पर वीडियो ज़रूर क्रिएट करूँगी। सो गाइस दैट्स ऑल, अगर आपको मेरा ये वाला रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।